हाई एवरी वन, सो वेलकम टू माई चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। माई सेल्फ खुशबू सिंह और आज के इस वीडियो में आप सभी को नॉर्मल साड़ी की ड्रेपिंग क्लासिकल डांस कॉस्ट्यूम के लिए ड्रेप करना सिखाऊंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आती है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सो गाइज, आज की क्लासिकल डांस फॉर्म के लिए मैंने जो साड़ी सेलेक्ट किया है वो है कांजीवरम की सिल्क की साड़ी। यहाँ पे मैंने पैंट वेयर किया हुआ है अंदर की तरफ। आप चाहो तो कोई सा भी जींस शॉर्ट्स या फिर आप लेगिंग्स भी वेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे साड़ी के दोनों पार्ट्स आपको रेड दिख रहे हैं, एक आंचल है और दूसरा ब्लाउज पीस है जिसको मैंने डिटैच नहीं किया है। तो आंचल वाला जो पार्ट है हमारा, उसको हम अपनी राइट साइड की तरफ रखेंगे। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से अपने पीछे की साइड ले जा रही हूँ और हमें इसको रखना है राइट साइड पर। और अब हमारा जो ब्लाउज पीस वाला पार्ट है वो हमारे लेफ्ट साइड पे रहेगा। अब हमें अपने लेफ्ट साइड पे कितनी फैब्रिक रखनी चाहिए तो अभी मैं आपको इसको मेज़र करना भी सिखाऊंगी। सबसे पहले तो आपकी जो राइट साइड की मिडल वाली फिंगर है उसके बिल्कुल टिप पे आपको फैब्रिक को इस तरीके से रखना है और अपनी शोल्डर तक आपको इनको इस तरीके से मेज़र करना है। ऐसे ही मेज़र करते हुए दो बार आपको इसको इस तरीके से इसकी लेंथ मेज़र करके छोड़नी है। तो तीसरी बार जब हम इसकी मेज़रमेंट लेंगे तो हम केवल एल्बो तक ही जाएंगे और यहाँ पे हम इनकी इतनी लेंथ को लेकर और एक सेफ्टी पिन लगाकर हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद सेफ्टी पिन से लेकर फिर हम अपने एल्बो तक जाएंगे और जहाँ तक एल्बो तक ये आ रही है फैब्रिक, वहाँ पे एक मार्क कर लेंगे हम सेफ्टी पिन लगा के। तो यहाँ पे दो सेफ्टी पिन के बीच में जो आपको लेंथ दिखाई दे रही है, इस लेंथ को ही हमें अपने कमर के अराउंड दो टाइट नॉट बनाकर इनको हमें बांधना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेफ्टी पिन को निकाला नहीं है। अगर आप सेफ्टी पिन के साथ ही नॉट बनाते हो तो ये और भी अच्छे तरीके से आपके साथ आपकी फैब्रिक कैरी रहेंगी और जल्दी ये साड़ी खुलेगी नहीं। तो बिल्कुल इस तरीके से मैंने टाइट नॉट बना लिया। अब हमें क्या करना है कि हमारी जो लेफ्ट साइड के तरफ फैब्रिक है उसको हमें लेकर अपने पैरों के बीच से पीछे की साइड पे निकालना है। बॉर्डर जो रहे वो नीचे की तरफ ना घूम जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। अब हमें बॉर्डर को कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ ही रखकर और यहाँ पे हमें प्लीट्स में इनको अरेंज करना है। तो ये प्लीट्स वाली जो आप यहाँ पे स्टेप देख रहे हो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको करना है, क्योंकि अगला जो स्टेप हम इसके बाद करेंगे उसके बाद आप प्लीट्स को फिर दोबारा अरेंज नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल पैरों के पास जब ये सीधा टाइट हो जाए तभी आपको अपनी नॉट के अंदर से ये फैब्रिक को टक इन करना है और नॉट के बाहर आपको इसको निकालना है। मीन्स आपको इसको अपनी पैंट के अंदर टक इन नहीं करना है। तो अब जो प्लीट्स आपके बीच की तरफ है उसको आपको बस ऐसे ही छोड़ देना है, कोई सेफ्टी पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने इस वाली फैब्रिक के ऊपर ध्यान देंगे और यहाँ पे हम कमर के पास बॉर्डर को परफेक्टली सेट करने के लिए एक सेफ्टी पिन यहाँ हम प्लीट्स के बीचों बीच लगाएंगे ताकि ये जब पीछे की तरफ घूमते हुए जाए तो ये ज़्यादा मुड़े ना। तो कुछ इस तरीके से बॉर्डर को हमें कमर के ऊपर सेट करते हुए पीछे की तरफ जाना है। और यहाँ पे आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि जब आप फैब्रिक को टक करते हो तो यहाँ पे एक सेफ्टी पिन आप लगा सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक आपको यहाँ पे लगानी है। तो आप यहाँ पे सामने की तरफ से आप देख सकते हो हमारा जो लेफ़्ट लेग की जो ड्रेपिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम जाएंगे अपने राइट साइड की तरफ। तो राइट साइड की तरफ जितनी भी फैब्रिक बची हुई है उसको हम पीछे की साइड अपने पैरों की तरफ ले जाएंगे और इस यहाँ पे हम कुछ अलग प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे टेम्पररी के लिए एक प्लीट बनाकर हमें इसको पीछे की साइड पे टक कर देना है। ये केवल टेम्पररी टकिंग है, बाद में जब फैब्रिक जितनी एक्स्ट्रा बच जाएगी कमर के पास हम उनको और भी ज़्यादा प्लीट्स में अरेंज कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे अपनी जो पल्लू है उसके प्लीट्स को हम यहाँ सेट करेंगे। तो हमेशा प्लीट्स जो रहती है उसको आप सेट करने के लिए बॉर्डर जितनी चौड़ी है आप उतना ही चौड़ाई का माप लेकर इसको प्लीट्स में अरेंज कर सकते हो, स्पेशली जब आप डांस के लिए एक अट्रैक्टिव सा कॉस्ट्यूम ड्रेप कर रहे हो। तो अब जब सारे प्लीट्स यहाँ पे अच्छे से गैदर हो गए हैं तो अब हमें इनको ठीक उन्हीं के क्रीज लाइंस को देखते हुए कलेक्ट करना है। और जब ये अच्छे तरीके से गैदर हो जाए
तब हमें इनको टाइटली खींचते हुए ये देखना है कि पैरों के पास इसकी बॉर्डर कब तक फिटिंग नहीं हो जाती। तो आप यहाँ पे नीचे की साइड देख सकते हो, मैं कुछ इस फिटिंग की बात कर रही थी। बॉर्डर जब तक आपके पैरों के पास टाइट नहीं होती है तब तक आपको इसको खींचना है। और ऐसे भी पल्लू की लेंथ हमें ज़्यादा ही चाहिए अभी आगे की स्टेप्स में। तो अब मैं यहाँ पे अपनी शोल्डर पिन लगा लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कमर के पास वाली जो एक प्लीट की टकिंग थी वो बिल्कुल टेम्पररी थी, क्योंकि उस वक्त हमें नहीं पता था कि कितनी फैब्रिक हमें यहाँ पे प्लीट्स बनाने में लगेंगी। अब यहाँ पे जब हमने अपनी पैरों के पास वाली फिटिंग कर ली है तो अब जितने भी फैब्रिक बचती है उसको हमें प्लीट्स में अरेंज करना है एंड देन उसको पीछे की साइड पे हमें टक कर देना है। अगर आप पीछे की साइड पे सेफ्टी पिन यूज़ करते हो तो आप दोनों साइड्स के प्लीट को लेकर एक ही सेफ्टी पिन में आप इनको लगा सकते हो। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम अपने सामने वाले प्लीट्स को सेट करेंगे। सामने वाले प्लीट्स को सेट करने के लिए हम बिल्कुल लास्ट वाले दोनों साइड के प्लीट की एक एक लेयर लेंगे और इसको अपने पैरों के पास आई हुई बॉर्डर के अंदर दबाते हुए एक सेफ्टी पिन हम लगा लेंगे। तो सामने वाली जो आप प्लीट देख रहे हो इसकी लेंथ आपको बराबर इतनी ही रखनी है, केवल आपको नीज़ से 2-3 इंच नीचे तक जाना है, वरना होगा ये कि कुछ स्टेप्स आप क्लासिकल डांस वाले नहीं कर पाओगे, जैसे पैरों के फैलाने वाले स्टेप्स। तो इसलिए आपको लेंथ ना तो ज़्यादा कम रखनी है और ना ही ज़्यादा नीचे तक रखनी है। अब हम अपने लास्ट स्टेप में अपने पल्लू की लेंथ को सेट करेंगे। पल्लू की लेंथ को हम अपने पीछे की साइड से घुमाकर और राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे। हम अपने बॉर्डर के पास अपने हाथों से हल्का सा गैप बनाएंगे, उसके बाद इसको पीछे से घुमाकर और फिर ऊपर की साइड से हम इनको नीचे की तरफ निकालेंगे। देन जो यहाँ पे ये प्लीट्स बनी हुई हैं इनको हम कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ टक इन करके हल्का सा फैला देंगे ताकि इसकी लुक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सामने की तरफ वाली जो प्लीट्स हैं वो कितनी ऊपर की तरफ चढ़ी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे कि प्लीट्स को गैदर करेंगे थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखेंगे और उसके बाद हम अपने ब्लाउज से इनको अटैच करते हुए एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे। अब हमें इसके लुक को इन्हेंस करने के लिए केवल एक वेस्ट चेन यूज़ करना है। आप चेन ही यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। सो डांसर्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट परफॉर्मेंस। आई होप आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे लिए छोड़ सकते हो। मैं अब आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।